दोस्तों ससुराल सिमर का फर्स्ट सीजन के बाद इसके सेकंड सीजन को भी दर्शक अपना जमकर प्यार दे रहे हैं, जिसमें हमें नई सिमर के साथ आरव ओसवाल बने अविनाश मुखर्जी लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। सीरियल में सिमर के साथ इनकी लव केमिस्ट्री दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है और इनके साथ ही भरे अंदाज के लोग काफी ज्यादा फैन भी बन गए हैं और हर तरफ केवल अविनाश मुखर्जी का ही नाम गूंज रहा है। लेकिन दोस्तों अभिनेता अविनाश मुखर्जी के बारे में तो आप सब जानते हैं, पर क्या आप इनके रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीरियल ससुराल सिमर का पार्ट टू में सिमर के हमसफर आरव ओसवाल का किरदार निभा रहे हैं अभिनेता अविनाश मुखर्जी। वो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए इनकी रियल लाइफ फैमिली की तो एक बंगाली फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनके परिवार में कुल मिलाकर 3 सदस्य हैं, जिनमें इनके माता पिता और ये खुद शामिल है। शुरुआत करें इस बंगाली फैमिली के मुख्य यानी कि अविनाश मुखर्जी के पिताजी से, तो इनके पिता का नाम देवशीष मुखर्जी है, जो कि एक बिजनेस तौर के मैन पर जाने जाते हैं। ये अपने इस फिल्म में काफी सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। हालांकि इन्हें लाइमलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर बावजूद इसके गूगल पर इनकी कुछ तस्वीरें देखी जाती है। अब बात करें इनकी मदर के बारे में, तो इनकी मम्मी का नाम कविता मुखर्जी है, जो कि एक हाउसवाइफ के तौर पर अपना घर संभालती है, पर ये अक्सर अपने बेटे के साथ लाइमलाइट का चेहरा बनी रहती है। वेल दोस्तों, ये तो थी अभिनेता अविनाश मुखर्जी की छोटी सी रियल लाइफ के बाद, अब एक नजर डालते हैं इनके लव अफेयर के। तो आपको बता दें कि अभिनेता अविनाश मुखर्जी का नाम अभी तक किसी भी टीवी एक्ट्रेस के साथ नहीं जोड़ा गया, बल्कि पिछले काफी लंबे समय से साल 2019 में मिस टियारा की फर्स्ट रनर अप रही और कंटेस्टेंट राइटर सलोनी लूथरा को डेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये दोनों की प्यार की शुरुआत तब हुई जब अविनाश मुखर्जी अपने बिजनेस के सिलसिले में एक कंटेंट राइटर ढूंढ रहे थे। इस दौरान सलोनी इनकी कंपनी में इंटरव्यू देने आई और अविनाश ने इन्हें अपनी कंपनी के वर्कर के तौर पर सिलेक्ट किया। इसी तरह एक साथ काफी लंबे समय तक काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, जिसके बाद दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और एक दूसरे के साथ लिंकअप में रहने लगे। और इनका यही रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है, जिसकी गवाह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इनकी तस्वीरें हैं। वेल दोस्तों, सलोनी लूथरा के साथ अविनाश मुखर्जी की इस जोड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।